नमस्कार, आपका स्वागत है माँ की बहन के किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी के लिए हमने प्याज और ये घी गरम कर लिया है, ये जो हमने चुराया है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये प्याज के टमाटर भी हमने काट लिए, ये हमने मसाले तुक्के भेड़े हैं, ये पास्ता सोडा, जो जितनी वैरायटी की चीज़ें मिलनी थी हमने कर ली हैं। और ये हमारी मैक्रोनी का ब्रांड है, पास्ता लिखा है, इसे ग्रीट करके आप मैक्रोनी समझ लेना कि हम इसे मैक्रोनी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्याज है जो हमने चॉपिंग बोर्ड पर काटी है, देखा डिज़ाइनर चॉपिंग बोर्ड हमारा पिंक कलर का, बच्चों की आप जो तख्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम धीरे धीरे प्याज डालेंगे। हमारी प्याज है और ये देखिए हमारी मैक्रोनी, और ये निकालेंगे हम, यहाँ चेक करेंगे एक बार और, परफेक्ट ना ही काफी, क्योंकि चीजों को ज्यादा गलाएंगे तो फिर वो गल जाएंगे। अब इसे हम उठाएंगे, कपड़ा का है तो ये हमारी प्याज पक चुकी है, हम इसे इतना ही रखेंगे ताकि जो है ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी लगे, गोल्डन ब्राउन हल्की सी, मतलब कच्ची रहने देना ताकि मसालों से पके। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, ये भूमिका ने काटा है, हैं बोलो हैं, ये क्या होता है, ठीक है ये हम डालेंगे, ठीक है ये है। अब हम इसमें डालेंगे मसालों के नाम पे हमने पहले से ही मिर्ची 1 चम्मच डाली है, गरम मसाला डाला है हल्का सा, मतलब आधे चम्मच धनिया डाला है, आधी चम्मच जो है हमने नमक डाला है। अब इसे हम डाल देते हैं, ठीक है। और इसका स्पेशलिटी या फिर फ़ायदा ये होगा कि इसको डालने से हमारा जो टमाटर वो शायद जल्दी गल जाएगा। अच्छा ठीक है, हम ये डालने की कोशिश करेंगे फ्रेश क्रीम से, थोड़ा सा मतलब ग्रेवी टाइप का बन जाता है। थोड़ा पास्ता सॉस रखी थी, टमाटो सॉस हल्की सी डाल देंगे, ऑलरेडी हमारा जो मसाला है वो बहुत स्पाइसी लग रहा है तो हम डालते हैं। कितना क्रीम डालना है बताइए, कितना सा, जितना में लगता है 2 चम्मच, 1 चम्मच मुश्किल से, 1.5। उसके बाद हम डालेंगे पास्ता सॉस, कितनी, क्योंकि मैंने अभी फ्री में रखी हुई थी इसलिए, थोड़ी सी सालों पुरानी पास्ता सॉस, ये इतनी सी हम डाल रहे हैं ताकि इसे थोड़ा सा टेस्ट आ जाए अगर आना होगा तो, वरना इसकी अपनी मर्जी है। और फिर हम डालेंगे टमाटो सॉस, ये देखिए टडा, किसान वाली, किसान फ्रेश टमाटो, फ्रेश टमाटो जो कि गिलहरी ने बोला था, ऐड देखा होगा तो उन्हें पता होगा। ये देखिए आप थोड़ा सा डाला हमने, क्योंकि हमने चाहते टमाटो टमाटो का फ्लेवर आए, टमाटो टमाटो का फ्लेवर ना आए, इसलिए हम चाहते नहीं है। अभी सबको मिक्स कर लेते हैं, पानी डाल दो थोड़ा सा, इसलिए कह रहे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वरना पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक दिन के लिए फिर अंबानी के बच्चे बनना तैयार है, बट हमें अंबानी कॉन्टैक्ट करे तो कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, हम देंगे अभी से का रिव्यू आपको खा के। अब टेस्टिंग टाइम, टेस्टिंग टेस्टिंग टाइम। और ये जो है मैं शेफ की तरह एकदम ऐसे इसमें एक प्याज लगा लेते हैं, थोड़ा चलेगा, खा जा, ज़्यादा ही फाइबर के ले सकते हैं। ये पीस है और हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, हमने पहले सेकंड टिप भी ले लिया पहले से, हमने भूमिका के भाई से पूछा था तो भी हम देखते हैं। नाइस, मतलब क्या कमी है, हमने हल्का सा नमक कम रखा है, हमने तुमने हाँ मैंने, क्योंकि वो नमक ज्यादा होता है तो फिर आप खा नहीं पाते, तो हल्का सा कम, एकदम बहुत हल्का सा। इट लुक्स सो गुड, इट टेस्ट सो गुड, इट स्मेल सो गुड। सो होप यू लाइक आवर ब्लॉग, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते इतनी सारी वैरायटी ट्राई करें अपनी ब्लॉगिंग की दुनिया में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और कमेंट करो कि आपको कौन सा ब्लॉग या आपको किस तरह के ब्लॉग पसंद है, वरना हमें बहुत सारे ट्राई करने पड़ेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग।